अस्सलाम वालेकुम, जेबास किचन में वेलकम। आज हम आटे के बिस्किट बनाना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 कप आटा लिया है, 2 इलायची को पीसकर उसका पाउडर बनाकर लिया है। 1 टी स्पून हुआ है पाउडर उसका। 1/2 कप पानी लिया है, 1 कप शक्कर ली है, 5 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल लिया है, 1/4 कप पीसा हुआ खोपरा लिया है, 1/2 कप रवा लिया है मैंने। अब हम इसका आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इलायची पाउडर डाल दिया है मैंने। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, आपको टेस्ट पसंद है उसका तो डाले एसेंस। ये खोपरा ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 कप ही डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो बिस्किट हमें फ्राई करना है तो चूरा हो सकते हैं वो तलते टाइम। ये रवा भी डाल देंगे हम। अब हम ऑयल स्पून से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे हम। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ऑयल को मिला लेंगे। ऑयल भी ज़्यादा नहीं डालना है, 5 टेबल स्पून ही डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो बिस्किट ज़्यादा ऑयल और खोपरा होने की वजह से टूट सकते हैं। खोपरे का भी ऑयल निकलता है ना, इसलिए मेजरमेंट के हिसाब से ही डालें। इस तरह से हमें मिलाना है उसको और बाइंड हो रहा है कि देखना है, हाथ में लेकर इस तरह से देखना है हमें। ये देखिए अच्छी तरह बाइंड हो रहा है ये। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। ये मैंने 1/2 कप पानी लिया था तो शक्कर में मिला दिया है। शक्कर को पिघलाना नहीं है, इसी तरह से हमें मोटी शक्कर से ही आटे में मिलानी है, गुना है। खाते टाइम उसका क्रंच बहुत अच्छा दिखता है बिस्किट्स में। हेल्दी बिस्किट्स है ये, आप ज़रूर ट्राई करें। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी होती है, बाहर की बिस्किट से तो अच्छी ही होती है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा कर कर मिला लेंगे इसको। शक्कर को थोड़ा थोड़ा चमचे की मदद से डालेंगे उसमें। इस तरह से हमें बाइंड करना है उसे, थोड़ा थोड़ा रखना है बाइंड करके। ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है ये बाइंड, बहुत अच्छी तरह से। इस तरह से मैंने पूरे आटे को बाइंड कर लिया है। ये देखिए शक्कर भी दिख रही है इसमें, मोटी मोटी इस तरह से दिखनी चाहिए। मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। इस तरह से हम इसका रोल बना लेंगे आटे का और नाइफ की मदद से काट लेंगे इसको। इस तरह से पीसेस में काटना है, या तो फिर आप कुकी कटर से गोल, आपको जैसा शेप पसंद है वैसा बना सकते हैं। मैं इस तरह का शेप दूंगी, इस तरह से नाइफ से काट कर। इस तरह से मैं उसमें 1 टेबल स्पून की मदद से निशान कर रही हूँ। आप छोटा ढक्कन लेकर भी कर सकते हैं, आपको जो शेप पसंद हो उस शेप का निशान दे आप। मैं इस तरह से दे रही हूँ। बहुत ही टेस्टी होते खाने में और तलने के बाद थोड़े टाइम तक नरम रहेंगे, बाद में ठंडे होने के बाद एकदम क्रंची हो जाएंगे वो। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली मेम्बर्स में, आपके फ्रेंड्स में।
देखिए मैं तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें तेल को भी, और मीडियम फ्लेम पर तलना है, 3 से 4 मिनट रखना है हमें, लो स्लो फ्लेम पर ही रखना है। थोड़ा तेल कम गर्म होगा भी तो चलेगा, इस तरह का तेल होना चाहिए। इसे मैंने 2 मिनट रखा था, अभी 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए कितने अच्छे से हो गए, 4 मिनट में अच्छी तरह हो जाते हैं, अंदर से भी पक जाएंगे ये। ये कितनी अच्छी तरह से हो रहे हैं, ये इसको हल्के हाथ से निकालना है, और अभी नरम होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं निकालने के टाइम पर, तो टूट सकते हैं, तो हल्के हाथ से निकालें आप इसे। हम बाहर मार्केट से लेते हैं तो हमें लगता है हेल्दी है, अनहेल्दी लगते हैं खाने के लिए, मैदे के होते हैं, ये तो आटे के हैं, और हम घर में बना रहे हैं तो हेल्दी फूड बन रहा है घर में ही, कम टाइम में बहुत ही टेस्टी है लगते हैं ये खाने में, बच्चों के लिए तो हेल्दी हो जाते हैं आप। ज़रूर ट्राई करें आप ये रेसिपी। ये देखिए हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं बिस्किट, और मैं दूसरे भी और तल लूँगी इसी तरह से। ये देखिए मैं छोड़ने के टाइम पर तेल कितना गर्म है तरह से, ये हमारी शुगर तेल में, ये देखिए कितने परफेक्ट बने हैं ये। इसमें शुगर मोटी होने की वजह से थोड़ा तेल में शुगर जब तली जाती है ना तो कैरेमल का चिकटपन आता है थोड़ा सा मामूली सा। देखिए कोई बिस्किट पे आया है कोई भी नहीं, लेकिन अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ही बढ़िया लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, ज़रूर ट्राई करिए। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है कलर भी इसका मेरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।